राज्य में जो गरीबों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसको लूटने के लिए किस तरह से बिहार में नौकरशाही और कुख्यात अपराधियों के बीच गठजोड़ हो गया है, उसका खुलासा हमने आपको कर दिया है। अब मेरे साथ हैं मंत्री जी। मंत्री जी को मैंने दिखा दिया है कि किस तरह से नेक्सस बढ़ रहा है बिहार में। मंत्री जी से बात करते हैं। मंत्री जी, कितना ये खतरनाक नेक्सस है? ठीक है, लूट होती थी पहले भी, लेकिन अब अपराधियों को वसूली का ठेका दिया जा रहा है कमीशन का। अभी जो आपने सुनाया है, अब इसका जांच हम लोग करवाएंगे और सही में अगर हमारे विभाग के पदाधिकारी, अब आवाज़ से तो हम पहचानते नहीं हैं, दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, कैसे बंटवारा किया जाए अवैध वसूली का, इसका वो लोग परसेंटेज के हिसाब से बंटवारा का बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के क्रम में कौन अपराधी है और कौन पदाधिकारी है यह तो हम नहीं जानते हैं। इस टेप को हम लोग अपने विभाग में भेजेंगे, अगर सही में हमारे विभाग के पदाधिकारी होंगे तो उनको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। और रही बात विभाग में सुधार का, तो हम लोग, ये तो आप एक जगह का वीडियो क्लिप दिखाए, हम लोग 200 से ज़्यादा गांव में गए हैं और जो हमारे जन वितरण प्रणाली का जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए जो हम लोगों ने 2 साल काम किया है उसमें कितने सुधार हुए हैं उसको हम लोगों ने जाके देखा है, तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। प्रत्येक महीना लोगों को अनाज मिल रहा है और कहीं अगर छोटा मोटा त्रुटि नज़र आता है तो उसको भी हम लोग दूर करते हैं। लेकिन जहाँ तक इस वीडियो क्लिप का जो नौबत का बता रहा है उसके सत्यता का हम लोग विभाग में भेज करके जानकारी करेंगे। अगर सही में MO होंगे या अन्य कोई पदाधिकारी होंगे तो उसको कार्रवाई किया जाएगा। नहीं, कितनी अपराधी को, मैंने सर ठीक है, वो तो स्थानीय स्तर पर शिकायतें मिल सकती हैं, मंत्री हर जगह रुक नहीं सकते हैं, आपका कोई इसमें दोष नहीं है, लेकिन अपराधियों को ठेका दे देना वसूली का एक अधिकारी द्वारा, ये कितना गंभीर बात लगता है आपको जांच कराने के बाद ही? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा दोष नहीं, दोष तो मेरा भी है। अगर हमारे विभाग में लाभुक को अनाज नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ा दोष तो हम ही हैं। अगर हमारे नीचे कोई पदाधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो दोष हमारा ही है। और रही बात कौन अपराधी, हम तो अपराधी को जानते नहीं, और सिर्फ आवाज़ के बदौलत हम यह नहीं कह सकते हैं कि वो कौन अपराधी है। ये तो जांच करेंगे या तो पुलिस विभाग के लोग या हमारे विभाग के, अगर कोई पदाधिकारी उसके साथ बात कर रहे हैं तो हमारे विभाग के सचिव बात करेंगे, पता करेंगे कि हाँ सही में ये नौबतपुर के कोई पदाधिकारी है। तो अगर उसमें यह बात सामने आएगा जांच के क्रम में कि वही व्यक्ति है जिनके बारे में आपने वीडियो क्लिप हमको सुनाया है तो निश्चित रूप से उस पर तुरंत कार्रवाई होगा। ऐसी कोई अभी तक शिकायत नहीं मिली, लेकिन आपने बताया है तो उसके बाद इसकी जो संपुष्ट CD मिल जाएगी इसकी संपूर्ण सम्यक जांच कराई जाएगी और जांच करा करके जो भी इसमें बात सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको नहीं लगता कितना गंभीर मामला है, अगर आरोप भी कितना जांच अभी मैं पूरी तरह से ऑडियो सुन करके और उसके बाद इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करूँगा।